Welcome to another lesson of Starting Point Excel for Beginners. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आबिद मकसूद है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने डेटा सर्च कैसे करना है, फाइंड कैसे करना है, और अगर किसी डेटा को आप रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और डेटा के साथ या किसी और नंबर के साथ, तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कभी भी आपने डेटा के ऊपर काम करना है तो डेटा को अंडरस्टैंड करें पहले कि उसमें है क्या चीज़। जैसे इस केस में अगर आपको बताऊँ तो एक कॉलम के अंदर ब्रांड है और इसके अंदर नीचे जितना भी लिखा हुआ है ये एक ब्रांड के हवाले से लिखा गया। उसके बाद कैटेगरी आ जाती है, कैटेगरीज में भी हम वन बाई वन फिल्टर करके देख लेते हैं। उसके बाद पैक कोड है, पैक डिस्क्रिप्शन है, फिर पैक है कितना और कैटेगरी क्या है और फैक्टर क्या है। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं फिल्टर। फिल्टर के बाद अगर आप ब्रांड में देखें तो ब्रांड में 7 अप से लेके और ये कुछ NA भी आ रहा है कहीं पे, तो ये सारे हमारे पास ब्रांड्स हैं। NA का मतलब ये एरर था, डेटा वी लुकअप या किसी भी फंक्शन के ज़रिए उठाया गया तो यहाँ पर आ गया। कैटेगरी दो हैं, CSD है और NCB है। इसी तरह पैक कोड्स हैं, पैक कोड्स बहुत सारे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह हर पैक की डिस्क्रिप्शंस हैं, फिर वो पैक्स हैं, तो ये तकरीबन एक जितने ही होंगे ये सारे। उसके बाद पैक कैटेगरी है, कैटेगरी में आप देखें तो बल्क से लेके टेट्रा तक ये सारे पैक आ रहे हैं और फैक्टर्स हैं, फैक्टर बहुत ज़्यादा नंबर में हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमें चाहिए ये कि हमने 500 ml सर्च करना है कहाँ पर। तो मैं यहाँ से कंट्रोल F करूँगा या होम पे जाके यहाँ से फाइंड सेलेक्ट कर लूँगा, ये दोनों ऑप्शन है मेरे पास। तो शॉर्टकट की है Ctrl+F। मैंने यहाँ से लिखा 500 ml और उसके बाद मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा या एंटर की प्रेस करूँगा, तो ये मुझे जो भी मेरा पहला ऑप्शन होगा उस पे ले जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो उससे नेक्स्ट ऑप्शन पर ले जाएगा, फिर नेक्स्ट करूँगा उससे नेक्स्ट ऑप्शन पर ले जाएगा। लेकिन अगर मुझे ये तमाम के तमाम चाहिए हों तो मैं फाइंड ऑल कर दूंगा। अब ये देखिए इसने सर्च करना शुरू कर दिया और ये इसने इसको मैं थोड़ा सा इस तरह। अब ये देखिए यहाँ पर इसने मुझे बताया कि इस शीट के अंदर किस किस जगह पे ये 500 ml लिखा हुआ है। मैं जिसके ऊपर भी क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली मुझे वहाँ तक ले जाएगा। ये देखिए इस वक्त E19934 के अंदर ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ले आया। ये तो था हमने फाइंड किस तरह से करना है। अब है रिप्लेस। अब फॉर एग्जांपल आपने NCB लिखा था लेकिन ये एक्चुअली NCB नहीं था, ये था NDC, तो ये गलती से NCB डेटा में हो गया। अब मुझे इसको रिप्लेस करना है NCB को NDC से, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अगर तो मुझे स्पेसिफिक कॉलम के अंदर रहना तो मैं पूरे का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा, और अगर मुझे पूरी शीट में रिप्लेस करना है तो मैं कहीं पे भी क्लिक करके Ctrl+H करूँगा या Ctrl+F करके उसके साथ ही रिप्लेस का रिप्लेस की शीट है टैब है उस पर क्लिक कर दूँगा। तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H और मुझे करना था NCB को NDC में चेंज। मैं अगर वन बाई वन करना चाहता हूं तो मैं रिप्लेस पे क्लिक करता जाऊंगा और ये वन बाई वन चेंज होता रहेगा, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा अगर रिकॉर्ड ज़्यादा हैं, तो मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूं। अब उसने बताया ऑल डन, वी मेड 4077 रिप्लेसमेंट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो ये सारे के सारे अगर आप देखें तो ये NDC हो चुके हैं, यहाँ पर NBC था अब NDC हो गया। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं डेटा के अंदर। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।